गौरांग सर, आपका व्यू पॉइंट चाहिए एनएमडीसी के रिगार्डिंग। आपको मालूम है ना सर, इसका वो जो स्टील वाला काम है वो अलग हो गया है इसका। बेंगलुरु की अच्छी कंपनी है ये, और वहाँ पे इस समय स्टेट के अंदर दूसरी सरकार है। अगर वापस सेंटर में है तो फिर दूसरी सरकार है। मैं सरकारों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है पॉलिसीज़ का, कि किसने कैसे कैसी पॉलिसीज़ बनाई हैं। एक बार आपका टेक चाहिए सर, इसमें ग्लोबल पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी जी। धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई लगती कोई बात नहीं की सर, कंपनी है ये, और अगर रुझान देखें पिछले 2-3 हफ्तों में तो पूरे धातु क्षेत्र में अच्छी कंपनियों ने अच्छा रुझान दिया है। उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चाइना से जो खबरें आई हैं वो नकारात्मक नहीं, और अनुमान और आकलन ये लगाया जा रहा है कि हमारे देश में सरकार स्थापित तो और गठन होने के बाद शायद निर्माण कार्य जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ा। दूसरा विकल्प ये भी लगाया जा रहा है बुनियादी स्तर के आधार पर कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वहां पर धीरे धीरे करके आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो लागत खर्च को लेकर के शुद्ध मुनाफे के आंकड़ों में दबाव था वो अब दूर हो गया है और शायद बेहतर कर सकती है। मुझे याद नहीं आ रहा है एनएमडीसी पर हमारी कवरेज है कि नहीं, लेकिन पूरा धातु क्षेत्र हमें लग रहा है कि थोड़ा रुझान बेहतर हो सकता है आंकड़ों और नतीजों के आधार पर। और धातु क्षेत्र में अगर आपको देखना है तो हमारी जो खरीदारी की राय या सूची जो है डीपी, वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और हिंडाल्को, यहां तक सीमित हमने रखी है।